जैसा कि आप अवगत हैं, थाना अहिरौला क्षेत्र में अवैध शराब की एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में अहिरौला और फूलपुर में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसमें 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान 2 अभियुक्तों के द्वारा एक अवैध शराब फैक्ट्री के संचालन की सूचना पुलिस को दी गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस SOG टीम के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई। सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया। इस छापेमारी के दौरान भारी अमाउंट में यहाँ पे अवैध शराब की बरामदगी हुई है। ये जिसका मकान है, इसका इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद सईद, जो गांव रुपईपुर का रहने वाला है, जिस गांव में हम लोग अभी खड़े हुए हैं। इसका एक पुत्र मोहम्मद फहीम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो यही इसी घर में रहता था, और इनके मोहम्मद फहीम और इसके भाइयों के द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन इस घर से किया जा रहा था। अभी तक जो बरामदगी हुई है वो 1000 लीटर से ऊपर रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद की गई है, जो लगभग 6 ड्रम्स में पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। 25 पेटी अवैध शराब जो घर के अलग अलग हिस्सों से और वाहनों से बरामद की गई है। 15 पेटी ऑनरेक्स सिरप, ये एक सिरप है जो एक दवाई है, ड्रग है, उसको भी अवैध रूप से इनके द्वारा तैयार करके रैपर लगा के उसको और बेचा जा रहा था। 20,000 से ऊपर खाली बोतलें हैं, लगभग 25,000 के आसपास रैपर हैं जो बोतलों पर लगाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स की बोतलें यहाँ से हम लोगों को मिली हैं। इसके साथ साथ जो सील करने वाली मशीन है, अवैध शराब की बोतल को उसमें केमिकल भरने के बाद और फ्लेवर मिलाने के बाद उसको सील करने के लिए जो इस्तेमाल होती थी मशीन, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। लगभग बार कोड, जो फर्जी बार कोड अवैध तरीके से तैयार करके, फर्जीवाड़ा करके बार कोड तैयार किए जाते हैं, वो 10,000 से ऊपर की संख्या में बार कोड यहाँ से बरामद हुए हैं। रैपर बहुत भारी संख्या में बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ एक वैन, एक टेम्पो, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जिसका इस्तेमाल किया जाता है वितरण के लिए, इनमें से कुछ वाहनों से शराब भी, अवैध शराब की पेटियां भी बरामद की गई हैं। और 2 जगह से यहां से ग्राउंड के अंदर जो जमीन है, जमीन खोद के और उसके अंदर जो केमिकल है उसको दबाया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। JCB की मदद से यहाँ इन दोनों ड्रम्स को निकाला गया है। अभी और भी जगह जगह छापेमारी इसमें लगातार जारी रहेंगी। अब पता किया जा रहा है कि इनके और कहां कहां ठिकाने हैं। ये यहां इनका आवास है, रहने का घर है, इसी के अंदर इनके द्वारा इस फैक्ट्री का संचालन पहले दूसरे फ्लोर पे और बगल वाला जो आपने इनका रिहायशी मकान देखा उससे किया जा रहा था। कितने लोग इसमें और शामिल है, अभी 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जितने लोग इसमें अभी फरार है उनके ऊपर 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है और बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में SPRA के नेतृत्व में और जो SOG टीम है, अहिरौला थाने की टीम है, इन लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अभी हम लोग इसका पूरा असेसमेंट करेंगे, जो एग्जैक्ट बरामदगी है वो आप लोगों के साथ सुबह हम लोग साझा करेंगे। सर, कितने कीमत की लगभग होगी जितना बरामद होगा? अभी ये कैलकुलेट हो जाएगा। अभी जो इसको देखने से प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये 30 लाख से ऊपर का माल है कुल, जो अभी तक पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इसमें जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं उनको भी बुलाया गया है, उनको भी सूचित किया गया है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में दवाई का भी यहाँ से अवैध तरीके से दवाई भी तैयार की जा रही थी। अभी हम लोग पता कर रहे हैं कि इसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस था या कोई इसका मेडिकल स्टोर हो, उस पर भी छापेमारी की जाएगी, और भी अगर इसके कोई अन्य ठिकाने हैं उन पर भी छापेमारी की जाएगी। सिंडिकेट में कौन लोग शामिल हैं इस पूरे सिंडिकेट में? क्योंकि जो शराब से मौत हुई है इसी ब्रांड के नाम की शराब है, बिकी है वही शराब, वही ब्रांड की शराब की बोतल यहाँ से बरामद हुई है, जो इसमें रंगेश यादव मुख्य अभियुक्त था, जिसका जो इस अनुज्ञापी था इस ठेके का, ये उसी से जुड़े हुए लोग हैं, उसी के साथ के लोग हैं। इनको हम लोग CDR एनालिसिस के माध्यम से, CCTV फुटेज के माध्यम से और भी अन्य साक्ष्य संकलन के माध्यम से अब तक की विवेचना की गई है, और इसी के दौरान 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा ये अवैध फैक्ट्री बरामद की गई है। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो इनके सप्लाई चेन से जुड़े हुए हों, चाहे वो इनके जो इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट, जो पैसे का फायदा किस किस को इसको मिलता था, इसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे। किन किन के बैंक अकाउंट में इस शराब के ठेके से पैसा गया है उसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे, और जो लोग इसको संरक्षण देने में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा और बहुत जल्दी इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मकान बहुत लंबे चौड़े एरिया में इसने बनाया है, तो ये संभावित है कि जो अपराध ये करता रहा है, जिसका जो इस अनुज्ञापी था इस ठेके का, ये उसी से जुड़े हुए लोग हैं, उसी के साथ के लोग हैं। इनको हम लोग CDR एनालिसिस के माध्यम से, CCTV फुटेज के माध्यम से और भी अन्य साक्ष्य संकलन के माध्यम से अब तक की विवेचना की गई है, और इसी के दौरान 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा ये अवैध फैक्ट्री बरामद की गई है। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो इनके सप्लाई चेन से जुड़े हुए हों, चाहे वो इनके जो इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट, जो पैसे का फायदा किस किस को इसको मिलता था, इसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे।
किन किन के बैंक अकाउंट में इस शराब के ठेके से पैसा गया है उसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे, और जो लोग इसको संरक्षण देने में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा, और बहुत जल्दी इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मकान बहुत लंबे चौड़े एरिया में इसने बनाया है, तो ये संभावित है कि जो अपराध ये करता रहा है उसी से अर्जित संपत्ति से मकान बनाया गया हो, तो 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और NSA की कार्रवाई तक पुलिस इसको लेके जाएगी, और किसी भी प्रकार से हम अवैध शराब के इस कारोबार को जड़ से खत्म करेंगे। एक मुकदमा 2016 का है जिसमें ये रमाकांत यादव और चार अन्य अभियुक्त शामिल थे जिनके खिलाफ चार्जशीट पुलिस के द्वारा 2017 में लगाई गई थी। रंगेश यादव उस मुकदमे में ये सारे एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में कर रहे हैं। जो पहली प्राथमिकता हमारी थी कि इसका सोर्स क्या है शराब का, शराब कहाँ से आ रही है, उस पे हम लोगों ने सफलता पाई है, और इसमें एक बहुत डिटेल के साथ चार टीमें लगाई गई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारे एंगल्स पे। जिससे भी कनेक्शन मिलेगा, जिस भी प्रकार का कनेक्शन मिलेगा, उनको सबको विवेचना में शामिल करते हुए ये तो पूछताछ की जाएगी। अभी दो अभियुक्तों से पूछताछ की गई है, जो फरार अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार पुलिस टीमें दबिश में है। हम इसको ये पूरी छानबीन करेंगे कि कौन कौन से शराब के ठेके ऐसे थे जहाँ पे शराब वितरित की जा रही थी, या फिर इसके अलावा भी कोई जगह थी जहाँ पे जिसके माध्यम से ये शराब बेच रहे थे, और इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए और भी कितने जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, अगर कोई अन्य शराब का ठेका भी है जहाँ से शराब बेची जा रही थी, तो उनको भी अभियुक्त बनाते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।